बात यह समझने की जरूरत है, यह है क्या, गिनती क्यों जरूरी है, आखिर क्यों सभी बड़े बड़े समाजवादी नेता समय समय पर जाति आधारित गणना की बातें की। जो महापुरुष रहे, जो हम लोगों के नेता रहे, सब लोगों ने आरक्षण की बात की और उन्हीं तबकों की बात की जो समाज में अंतिम पैदान पे खड़ा है। आज भी समाज में देखेगा कि भेदभाव होता है, जाति का नाम लेकर के लोग गाली देता है, फल्ला 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 क्या क्या लोग नहीं बोलता था। दलित का लड़का का बेटा का अगर शादी हो रहा है तो घोड़ी पे नहीं बैठेगा, मंदिर में पूजा नहीं करेगा, क्या व्यवस्था थी। हर सरकार जो है पेड़ का गिनती करता है, बाघ का गिनती करता है, बिल्ली का गिनती करता है, मगरमच्छ का गिनती करता है, आखिर क्यों, कि भाई कोई चीज महत्वपूर्ण चीज है विलुप्त ना हो जाए। लेकिन इंसान का जो इम्बैलेंस है वो कैसे सुधरेगा। तो जब तक गिनती नहीं होगा, जब तक पता नहीं चलेगा कि भाई गरीबी कौन है, बात यह समझने की जरूरत है, ये है क्या, गिनती क्यों जरूरी है, आखिर क्यों सभी बड़े बड़े समाजवादी नेता समय समय पर जाति आधारित गणना की बातें की। जो महापुरुष रहे, जो हम लोगों के नेता रहे, सब लोगों ने आरक्षण की बात की और उन्हीं तबकों की बात की जो समाज में अंतिम पैदान पे खड़ा है, चाहे दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो या अति पिछड़े हो। आज भी समाज में देखेगा कि भेदभाव होता है, जाति का नाम लेकर के लोग गाली देता है, फल्ला 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 क्या क्या लोग नहीं बोलता था। आज भी देखिएगा इस तरह की चीजें, दलित का लड़का का बेटा का अगर शादी हो रहा है तो घोड़ी पे नहीं बैठेगा, मंदिर में पूजा नहीं करेगा, क्या व्यवस्था थी। लेकिन आज इस बात की जरूरत है कि गिनती क्यों होना चाहिए। आज जब हम लोग गिनती की बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि ये बांटने का काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल, लालू जी, तेजस्वी, ये लोग जात को लड़ाना चाहता है। मेरा सवाल है, जो लोग हम पे सवाल खड़ा करते हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं। कोई लोग नाम लिखते हैं, अपने नाम के आगे सरनेम बोला जाता है, कोई लोग मिश्रा लिखता है, कोई लोग तिवारी लिखता है, कोई लोग यादव लिखता है, कोई लोग सिंह लिखता है, कोई लोग श्रीवास्तव लिखता है, कोई लोग पाल लिखता है, कोई लोग दास लिखता है, कोई लोग कुशवाहा लिखता है। ये क्या तेजस्वी ने, लालू जी और राष्ट्रीय जनता दल ने बनाया? पहले से ही बांटने का काम किसने किया, किसने यादव बनाया, किसने मिश्रा बनाया, किसने दास बनाया, किसने खुशवाहा बनाया। हम तो वो बात कर रहे हैं, चाहे सिंह हो, चाहे श्रीवास्तव हो, चाहे पाल हो, दास हो, यादव हो, चाहे स्वर्ण जाति के लोग हो, पिछड़ी जाति के लोग हो, अति पिछड़ी जाति के लोग हो, दलित हो, आज उनकी स्थिति क्या है जरा ये पता करो, ये पता करो कि गरीबी सबसे ज्यादा किस जाति में है। चाहे जिस जाति में गरीबी है, गरीबी हमारा दुश्मन है, उसको मिटाने का काम करो, यही तो हम लोग चाहते हैं। अब कितना दिन तक पटना जैसा शहर में रात रात भर हम शहरी विकास मंत्री थे तो रिक्शा चलाने वाला, दूसरा जिला से आया हुआ है, चारा नहीं है, कोई कमाई नहीं है, नौकरी नहीं है, बिहार में दिन रात मजदूरी करता है लेकिन फिर भी जो है उधार नहीं दे पाता।
फुटपाथ पे सोता, कहीं चले जाइए यहाँ ऑफिस के बाहर चले जाइए पूरा रोड पे फुटपाथ के लोग सोते, गरीब सोता, स्टेशन चले जाए कहीं चले जाइएगा आप, चाहे गांधी मैदान के पूरा सर्किट घूम लीजिए, सब किनारे किनारे वही लोग बेचारा ठेला वाला टेम्पू वाला सब लोग सोता। कौन जाति के हैं भाई, कौन जाति के हैं? हम तो बस यही राह पता करना चाहते हैं कि चाहे कोई जाति में अगर गरीबी है तो उस गरीबी को हम लोग खत्म करें, और गिनती होगा तब ना स्थिति पता चलेगा। देश में कितने राज्य हैं, राज्यों में कितने जिले हैं, अब हर सरकार जो है पेड़ का गिनती करता है, बाघ का गिनती करता है, बिल्ली का गिनती करता है, मगरमच्छ का गिनती करता है। आखिर क्यों? कि भाई कोई चीज महत्वपूर्ण चीज है विलुप्त ना हो जाए। बाघ जो है आने वाले समय में बाघ गायब ना हो जाए इस संसार से, तो उसको प्रिजर्व करके हम लोग रखे, बचा करके रखे। कई पक्षियों को नियम लगाया कि पक्षी आप नहीं खा सकते, इल्लीगल है, नहीं तो विलुप्त हो जाएगा, संसार से गायब हो जाएगा। पेड़ पौधा की संख्या बढ़ाई रहेगी, बढ़ेगी तो एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, प्रकृति का बैलेंस सही रहेगा, लेकिन इंसान का जो इम्बैलेंस है वो कैसे सुधरेगा? तो जब तक गिनती नहीं होगा, जब तक पता नहीं चलेगा कि भाई गरीबी कौन है, गरीब कौन है, उसकी पढ़ाई लिखाई क्या हुई, उसके पास अपना घर है कि नहीं है, उसको अपना नौकरी है कि नहीं है, तब तक कैसे पता चलेगा? इसीलिए हम लोगों की मांग रही, लालू जी की मांग रही कि भाई किसी भी कीमत पर हम लोग जो है गिनती कराएंगे, कौन जाति के कितने लोग हैं और उनकी स्थिति क्या है, उसी हिसाब से सरकार में जो लोग बैठेगा वो उसी हिसाब से उनके लिए योजना लाएगा ताकि उनको मदद करे, उनको उठाने का काम करे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।